welcome to Fruity Presents Comedy Circus Ke Ajoobe. Comedy Circus, yani comedy ke ek laboratory. अरे भाई, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलकर आज तक जितने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए उससे ज्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हम कॉमेडी पर कर चुके हैं और आज हम करेंगे दो का डबल, दो का डबल, दो का डबल। इस सीजन में अब तक आपने कॉमेडी का ट्रायंगल देखा, आज हम इन तिकड़ियों को तोड़कर जोड़ियां बनाएंगे। तिकड़ियों ने अब तक दिया है हंसी का जितना माल, जोड़ियां आज करेंगी उससे भी डबल धमाल। गम और हंसी दोनों है टक्कर के, लेकिन दोनों में से कौन बेटर है ये दिखाने आ रहे हैं मंत्रा एज ट्रेजेडी एंड सरगुन एज कॉमेडी। ये बेफोकट में हंसना, आप जब बेफोकट में हंसती है हमें पता है कि ये हम पर एहसान है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें हंसाने का गुमान है। लेकिन आज के इस एक्ट में मुझसे कॉमेडी की उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं बना ही ट्रेजेडी हूँ। मेरी दुकान बंद कर दी तुम कॉमेडी सर्कस वालों ने। अरे लेकिन ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हो सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब का इंसान, शुरुआत उसकी ऐसी ही होती है। उए, 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 उए। कुछ देर बड़ा होने के बाद उए, उए, और थोड़ा बड़ा होने के बाद उए, उए, और थोड़ा बड़ा होने के बाद और कुछ दिनों बाद लेकिन तुम कॉमेडी सर्कस वालों में भी बहुत सारी ट्रेजेडी भरी हुई है। श्रुति को देखो, चेहरे पर मेकअप लगाती है लेकिन लोगों की नजरें केवल उसकी टांगों पर ही जाती है। अच्छा खासा पीस, लेग पीस बनकर रह गया है। और तुम कहते हो यहाँ कॉमेडी है, कहाँ है कॉमेडी? है कहाँ? सोहेल जी हंसते रहो, अर्चना जी मुस्कुराते रहो, सुदेश जी गाते रहो। मेरे जैसे दिखने वाली, आखिर बता तू है कौन? मैं हूँ कॉमेडी। सरगुड़ अपने आप को कॉमेडी कह रही है, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? गेट आउट, यू गेट आउट, क्योंकि मैंने तो कपिल और कृष्णा दोनों के साथ कॉमेडी की है। अरे मेरी प्यारी, जो कपिल के साथ तू कर रही है उसमें 8-8 है, लेकिन कृष्णा जो लड़कियों के साथ करता है उसमें 9-9 महीने लग जाते हैं। अगर मेरी बेइज्जती हो गई हो तो ये बता दो कि तुम कौन हो? मैं तेरा ऑपोजिट, ट्रेजेडी। ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ ट्रेजेडी नहीं चलती। तो चल क्या रहा है वैसे भी? इस सीजन में जो पार्टनर दी है वो हिमेश के साथ फिल्म में नहीं चल पा रही है। करने के नाम पे करती गए, लघु आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ उसकी जिसकी खुद की फिल्में नहीं चलती, और साथ में अजूबे के नाम पे दे दिया डबल भारती, उससे जमीन पे चलते बनता नहीं है, वो एक्ट में क्या चलेगा? तभी तो कहते हैं कॉमेडी करो सो टायर मत मारो। तेरी ऐसी की तेरी, पूर्वी भी यही बोलती, चुप कर। ट्रेजेडी जिंदाबाद, ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजेडी कॉमेडी, कॉमेडी 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 कॉमेडी। जितना बोला उसका चवन्नी छाप भी कर देती ना तो एक्ट बच जाता। गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार हैं किसकी वजह से? क्योंकि वो करते थे कॉमेडी। हाँ, और वही सुपरस्टार आज टेलीविजन पर शुदा तेल बेच रहा है, वो है ट्रेजेडी। चार्ली चैपलिन, जो पूरी दुनिया जिन्हें प्यार करती थी, वो करते थे कॉमेडी। वाह, चार्ली चैपलिन का नाम इसके मुंह से अपने आप में ट्रेजेडी। अर्चना, कृष्णा और अभिषेक की फिल्म बोल बच्चन ने इतने पैसे कमाए किसकी वजह से? कॉमेडी। पूरा बोल कॉमेडी नहीं, कॉमेडी सर्कस की वजह से। सारे यहीं के पंच मार रहा था कृष्णा वहां जाके। हाँ नहीं तो, और वैसे भी उस फिल्म के बाद किसी भी डायरेक्टर ने इन दोनों को फोन नहीं किया, यही है ट्रेजेडी। तुम्हारे फैक्ट्स कितने भी राइट क्यों ना हो ट्रेजेडी, लेकिन सच बात तो ये है कि हंसते हुए चेहरे सबको पसंद है, लेकिन ट्रेजेडी को
कोई प्यार नहीं करता। अरे चुप, शेक्सपियर से लेकर कालिदास के मेघ मल्हार तक, लेजेंडरी मीना कुमारी से लेकर ट्रेजेडी के किंग दिलीप कुमार तक, शोले के ठाकुर से लेकर दो भाइयों की दीवार तक, हर तरफ केवल ट्रेजेडी की ही भरमार है। जिस शेक्सपियर की तुम बात कर रहे हो, उन्होंने ही तो कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखी थी। दिलीप कुमार साहब ने अपने टाइम में बहुत अच्छी कॉमेडी भी की थी। शोले में अगर गब्बर थे तो सुरमा भोपाली का काम भी कुछ कम नहीं था। पिताजी ने रुलाया है तो हंसाया भी है, गुलजार साहब ने तो चड्डी पहनकर फूल भी खिलाया है। टीवी पे हर जगह बेरुखी और गंदी और बेदर्द सीरियल्स की भरमार है, लेकिन आखिर में तो सिर्फ कॉमेडी सर्कस की डिमांड है। एक बात कह सकता हूँ यार, इतनी लाइनें तूने याद कैसे कर ली यार, वैसे तो कभी देखा नहीं बोलते हुए तुझे। कैरेक्टर वापस आओ। जी, तुम कभी हंसते भी हो? अरे हंसी आती है, मुझे भी हंसी आती है जब प्रधानमंत्री मुफ्त का अनाज देने से इनकार कर देता है और वही अनाज गोदामों में सड़ जाता है, तब हंसी आती है। अरे जब कोई नेता हजारों लाखों का खाना खा लेता है और वही आकर कहता है एक आम आदमी का घर 26 रुपए में चल जाता है, तो हंसी आती है। अरे जिस कसाब ने खुले आम सरे आम इतने मासूमों को मारा, उसी को सरकार सुमड़ी में चुपचाप फांसी पर लटकाती है, तब हंसी आती है। आती है क्यों, तुम नहीं हंसना चाहोगी ऐसी हंसी? लेकिन ट्रेजेडी, हंसना तो जरूरी है। तो इन्हें बोलना, 15 मिनट हो गए, नहीं हंस रहे हमें कोई। देखिए आप तो समझ ही गए होंगे, राइटर ने हमारे साथ ट्रेजेडी ही की है, लेकिन आप क्या है, आप लोग महान है। आपको कुछ मिले ना मिले, टाइम पे पेमेंट मिले ना मिले, विपुल डी शाह ढूंढने पर मिले ना मिले, निकुल से इज्जत मिले ना मिले, लेकिन हमारे एक्ट से थोड़ी बहुत हंसी तो मिल जाती है, इसलिए कॉमेडी और ट्रेजेडी आपको सलाम मिल जाती है। तो अर्चना, वैसे तो जाहिर सी बात है आप जहाँ बैठी हैं, योर चॉइस इज ऑब्वियस, लेकिन आप किसे यहाँ पर अपना वोट देंगी, कॉमेडी को या ट्रेजेडी को? मैं ये कहना चाहूँगी कि मंत्रा और सरगुन, जो आज यहाँ पर आपके राइटरों ने जो लिख कर हमें सिखाने की कोशिश की, उसकी मैं दाद देती हूँ। आपके राइटर कौन है? जी राज वर्मा और खालिद। तो राज और खालिद को मैं सलाम कहना चाहूँगी कि एक ये परफेक्ट एक्ट नहीं था, कॉमेडी के मंच पर ये बिल्कुल 100% फनी एक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कॉमेडी सर्कस अब एक सिर्फ कॉमेडी शो से कहीं ज़्यादा हो गया है। आई सेड परफेक्ट एक्ट नहीं है लेकिन काबिले तारीफ है, और आपने हमें हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। शुक्रिया मैम, थैंक यू। सुहेल, यू नो मर्दा एंड सरगुन, व्हाट सरप्राइज मी द मोस्ट इज दैट आप लोग पहली बार पार्टनर्स बने जी, और एक नेचुरल फ्लो था इस एक्ट के अंदर, एंड ये एक्ट विल ऑलवेज बी वन ऑफ द एक्ट्स वेयर I can't say that I laugh my guts out, but it'll always be remembered. Thank you, sir. Thank you so much. Time for the score. So, Archana, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? अपने मार्क्स से मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे एक्ट की भी बहुत अहम जगह है हमारे कॉमेडी सर्कस के मंच पर। 10 points. Sohail. Smile with philosophy. 9 points from Sohail. Man, I just wanted to say this thing that आप लोग, आप ये नंबर्स देख के ना केवल हमको मोटिवेट करते हैं, बट इवन माय टीम निकुल ने ये कॉन्सेप्ट सोचा, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉमेडी सर्कस के मंच के हिसाब के एक्ट्स नहीं होते, लेकिन दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू, कि वैरायटी लेकर आए, एंड कॉमेडी सर्कस ऐसी जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों को जगह मिल सकती है, मुझे नहीं लगता और कहीं पर हमें ये सब मौका मिलता। सो थैंक यू टू आर डायरेक्टर्स कि हमें अलग किस्म की कॉमेडी करने का भी यहाँ पर मौका देते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां। कॉमेडी सर्कस में कौन है बेस्ट, इसका जवाब लेकर आ रहे हैं पूर्वी एंड सिद्धार्थ, प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हाय श्रुति, ऐसे मत देखो, मेरी पप्पी निकल जाएगी। ऐसी बात नहीं है, और तुम राइटर लोग क्या देख क्या रहो इधर, हजार हजार रुपए के लिए ऐसे सटायर लिख के बैठते हो, अब मैं ये लो 5,000 रुपए, ऐसे सीन लिखो मेरे लिए। हाँ, अच्छे खासे जवान लौंडे को लौंडिया बना के रख दिया इन लोगों ने। आप ये कर, वो क्या करवा रहे हो मेरे से हैं? आज मैं स्टैंड अप फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। आते ही स्टैंड अप, एक इसको देखो बेचारी कितना अंग प्रदर्शन करती, फिर भी 2 लाइन मिलती है बोलने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं लाइन मिले तो मुझे पीछे आके मिलो। नहीं एक्चुअली मैं ऐसी कमीनी बातें इसलिए कर रहा हूँ, मेरे साथ कृष्णा भैया रहते हैं ना, आप लोग सोच रहे हो उसमें इतना तूफान क्यों आया रहता है, उसके एक साइड सिद्धार्थ सागर, दूसरी साइड सुदेश लहरी, सागर लहरी, तूफान तो आएगा। बजा भाई।
कृष्णा यहाँ पे अकेला? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हे भगवान, अगले जन्म मुझे कृष्णा ही कीजो। साले कृष्णा की एक्टिंग करके मुझे बनाता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। छोड़ छोड़, साले दीदी दीदी बोल के एंजॉय कर रहा है, साले चूते हुए आम मारू के तेरे को। मैडम आम जैसे मर्जी हो, गुठलियाँ खराब नहीं होनी चाहिए। आप मेरे एक्ट में क्या कर रही हो? अच्छा मेरे एक्ट में क्या? साले ये पार्टनर एक्सचेंज है, तेरी पार्टनर हूँ मैं। यारी साला यार कब से मैं शांत हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू सर पे चढ़ रहा है मेरे। हाँ तो ऐसे कभी मंत्रा के एक्ट में भी शांत रहा करो ना, वहाँ प्यार वक्त ये सेट पे पहले पहुंच जाते, हर राइटर इससे दुखी है। पहुंचेगी पहुंचती, मेरी स्क्रिप्ट कब मिलेगी? अगले दिन ऑफिस में पीऊन से पहले पहुंच जाती, अगली थीम क्या है, करना क्या है? अरे तू शांत रह ना, ऐसे चुप रहा कर, चुप रहा कर। हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, तू राइटर बन। क्या? हाँ मैं, अरे हट, तू खुद बन, मैं क्या बनूं राइटर? अरे मैं तेरा करेक्टर करूंगा ना, एक मारूंगी तेरे को। मैं नहीं बोलती, ए हेलो निकुल, मैं नहीं करती है, नए कौन है ये जो भी नाम है सिद्धार्थ देदार उसके साथ, मैं नहीं करती ऐसे काम। आया बड़ा जा रही हूँ मैं, हटा, अरे हट, आया बड़ा हट। हाँ हाँ ठीक है, जाना है तो निकल, तेरी जैसी बहुत नल्ली आर्टिस्ट है हमारे पास। श्रुति बुला अपने दोस्तों को। राइटर का काम लिखने का होता है, तो तू लिख। क्या लिखने का काम होता है राइटर का, लिखना। साले बच्चे बच्चे को पता है कि राइटर का काम लिखने का होता है, तो सालों लिखो। लिखते नहीं हो, बस बाहर बैठ के फेसबुक पे बीबीएम पे, ओ हैविंग कॉफी, चिलिंग, ओ व्हाट अ वेदर, वेरी नाइस, ये सब लिखना है, स्क्रिप्ट नहीं लिखनी सालो तुमको। अरे तू राइटर बनना। नहीं बनना यार मेरे को, हटा, नहीं बनना राइटर, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं विदाउट स्क्रिप्ट भी कुछ भी कर सकती हूँ। एक हमें देखो, हम जिस टीम में वहां पे तो स्क्रिप्ट मिलने के बाद भी हम कुछ भी कर रहे होते हैं। लूडो प्रसाद, माय लॉर्ड दुखी करे सालों ने। अबे इधर साले, अपने आप को ज्यादा शाना समझता है तूने, इधर सीसी पे दो ऐसे क्या कैरेक्टर क्या कर लिए, हीरो समझता है तू अपने आप को? दो कर अर्चना जी, मैंने दो कितने कैरेक्टर करे यहाँ पे, मेरा अर्शद कितना फेमस हुआ था। वेरी गुड अर्शद, एक काम कर, चल बेटा कर। क्या करना अर्शद? करना रेडी हो जा एकदम। ओहो हो, क्या बात है, तालियां दो यार, बच्चे अर्शद कर, वेरी ओके, रेडी हो जा। पूरी टेंशन नहीं लेने का है, कोई टेंशन नहीं लेने का, तेरा जो वैनिटी का प्रॉब्लम था ना, हाँ पूरा सॉल्व किया मैंने। अच्छा अच्छा, जितना था हाँ वो सब सॉल्व किया है, वो पानी मानी सब, कॉन्ट्रैक्ट का जितना किसे क्या, सब में तू क्या बना कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा हाँ, देखिए अभी ये बच्चा अपना टैलेंट बता रहा है ऐसे अर्शद बनके, तो मैं अपना टैलेंट बनाऊंगी अर्चना बनके। बात है क्या अर्शद, क्या बात है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं आया, क्या बात है? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ कहाँ है? वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट है। कहाँ है? वो ऑफिस में है। ऑफिस में? एक्चुअली आपकी वजह से लेट हुआ था ना। क्या हाँ। क्या बोल रहा है, मेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट लेट हुआ? साले याद रखो, किसी के दाढ़ में दम नहीं है जो अर्चना पे इल्जाम लगा सके। हाँ बड़ा बोल रहा है, मेरी वजह से मैंने बड़े बड़ों की बत्ती सी तोड़ी है। हाँ तो तोड़ दो मैडम, वैसे भी मेरी दाढ़ में बहुत बड़ा कीड़ा है। क्या? हाँ मुझे पता है तुम लोग की दाढ़ में कितना बड़ा कीड़ा है, इसलिए चेक ले, कॉन्ट्रैक्ट ले, ये कीड़ा मैं निकालती हूँ। साले मैडम मेरा कॉन्ट्रैक्ट किधर है? मैडम एक सेकंड, बता दो आपका कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली आपकी वजह से लेट हुआ ना, आपकी वजह थी ना वो। साला मिर्गी का पेशेंट बोलता है मेरी वजह से लेट हुआ, मेरी वजह से। साले मैं, अरे अर्चना हर काम टाइम से पहले करती है, ये स्टूडियो मैं खोलती हूँ, सोहेल को बैंड्रा लेने मैं जाती हूँ, उसे कपड़े इस्त्री करती हूँ, बिरयानी का मसाला बनाती हूँ, सारा क्रेडिट वो अज्जू ले जाता है। अरे वो अज्जू नहीं, अर्चू है, अर्चू मैं हूँ, मैं बहुत मारूंगी। एक सेकंड मैडम, बहुत मारूंगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ मैडम, कोई टेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़, सबके सामने पढ़, मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ मैडम, कोई टेंशन नहीं लेकर। टेंशन मत बोल, टेंशन मत बोल, टेंशन ठीक है ठीक है ओके, टेंशन का मेंशन भी किया तो इतना मारूंगी कि जिंदगी भर पेंशन पे जिएगा। बोल साले बोल, कॉन्ट्रैक्ट पढ़। देखो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है टेंशन नहीं लेने का, टेंशन टेंशन इसमें लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है
टेंशन नहीं लेने का। अरे सुन अर्चना जी, लगता है यही टुच्चा सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड। अर्चना जी, इसमें लिखा है आपको हर एक्ट से पहले निकुल को दो पप्पी देने का है। क्यों साला, वो तो चार पप्पी लेके जाता है रोज, दो पप्पी। साला चीटिंग, इतनी बड़ी चीटिंग हो गई मेरे साथ। और ये इंसान, ये कौन आदमी है? मिर्गी का पेशेंट ऑल द टाइम, ये क्या है? अरे क्या खा रहा है? मैडम दिस इज पर्सनल अटैक। ये क्या हो, ये क्या है? ये पर्सनल अटैक है मैडम, इट हर्ट्स। अरे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। ये क्या है, ये सब क्या है? शुरू हो गई तू। It hurts, madam. ये मत करो, mind your own कपिल का business. क्या? आपका तो है नहीं। हाँ नहीं है। तो कपिल का संभालो। अच्छा, मेरा problem solve कर। आपका problem? अर्चना जी, top secret है। Top secret? आपकी vanity van है ना? हाँ। उसमें जो toilet का problem था, वो पूरा solve किया मैंने। साले मेरा खुद का solve कर, फिर मेरा कर। ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं toilet आ रहा है, toilet जा रहा है, खुद का तो solve कर। मैं जो मर्जी करूं, मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे, मेरा टॉप सीक्रेट है। ये टॉप सीक्रेट है, ये लो, मैं ऐसे ऐसे टॉप सीक्रेट है। मेरे को आज मेरा चेक चाहिए, आज मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये एडिट करो, सुसु निकल गया मेरा। बहुत मारूंगी कॉन्ट्रैक्ट। अरे रुक जा, सुन, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन सुना रहा, मैं बता रहा हूँ, टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट, दोनों चप्पल से मारूंगी। मुझे आज अपना चेक चाहिए। मैं करवाता हूँ, मुझे अपना चेक चेक करा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ चेक। अभी दे, एक सेकंड। देखो डरो मत, कुछ नहीं करूंगी। हाँ मैडम, कोई टेंशन नहीं। देखो अर्शद, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जी मैडम। मैं कैसे ट्राई कर रही हूँ तुम्हें कहने की कि मैं... अरे उस साइड का हिलाना। हर्षद, एक्चुअली चेक के लिए मुझे सब नाटक करना पड़ा। आज मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, गलती मेरी है, मेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट लेट हुआ। यस इट्स ट्रू, मेरी वजह से। सालों ने कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में लिखा था, मैं कैसे पढ़ती, कैसे पढ़ती मैं कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं इतना ऑल द वे लंदन गई, मैंने अपने बच्चे को बोला आयुष्मान बेटा मम्मी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, तो उसने पढ़ा और मेरा बच्चा रोने लगा। रोया? और रोया, बोला मम्मी हमें पढ़ाने के लिए गुजरातियों की गुलामी क्यों करती हो, क्यों करती हो। लेकिन उसे पता नहीं है जिंदगी में ये सब करना पड़ता है। लेकिन इधर अच्छा, तुमने मेरे हेल्प की, तुमने मुझे चेक दे दिया, इसे आज सबके सामने थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल गिव यू अ किस। आई लव यू टू अर्चू। आज पहली बार पता लगा है जब कोई मर्द मर्द को किसी करता है तो कैसा लगता है। आई लव यू टू अर्चू। आज सारे टॉप सीक्रेट खुल गए, नो टेंशन। I love you too. Oh my God, देखिए इसका सीक्रेट तो खुल गया, अब आपके मार्क का सीक्रेट भी खोल दीजिए। उठ साले, उठ, मार दे रहे। अर्चु प्लीज टेंशन मत लीजिए और जरा कमेंट दीजिए। टेंशन का मेंशन मत करना। आपने क्या वो आलाप क्या था? अब ऐसा आलाप चलना चाहिए बैकग्राउंड में जब मैं कहूँ कि सिद्धार्थ एंड पूर्वी I love you, both of you. Thank you. For both of you. Ma'am, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Purvi, you are a very well-known actor and everything, and आपको बहुत सारे accolades मिले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा concentrate करना चाहूँगी सिद्धार्थ पे। सिद्धार्थ, मेरी जान, you are absolutely fantastic. Thank you. और हम ये कहें कि हमने आपको एक चांस दिया है कॉमेडी सर्कस जैसे मंच पर काम करने का, उतना ही हक है आपको ये बोलने का कि मैंने कॉमेडी सर्कस में भी चार चांद लगाए हैं। हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस मंच पर, हमने बहुत लोगों को एक चांस दिया है और उन लोगों ने इतना बढ़िया किया है और वो इतने दिग्गज बन गए। आज उनमें से एक कृष्णा है, एक सुदेश है, एक कपिल है, इन लोगों ने कहीं और परफॉर्मेंसेस की होंगी लेकिन जो कमाल यहाँ पर किया है वो कहीं और नहीं किया, और उससे वो भी उतने खुशनसीब हैं और कॉमेडी सर्कस भी उतने खुशनसीब। आज जैसी परफॉर्मेंस आपने दी है, इससे पहले भी आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन इस परफॉर्मेंस से आज आप पूरे हकदार होते हैं ये कहने के लिए कि मैं कॉमेडी सर्कस का एक बहुत अहम हिस्सा हूँ और मेरे बगैर कॉमेडी सर्कस की वो शान नहीं रहेगी जो आज है। यू आर टू गुड। थैंक यू। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।
I hope ऐसा कोई सीजन ना हो जहां आप ना हो. Because you were superb today. अब इतना कुछ बोलने के बाद मैं ये उठाऊं तो बहुत बेवकूफ लगूंगी. इसलिए 10 points from Archana and a standing ovation. Sohail, you know, मैं ये सबको कहना चाहता हूं, क्या यहां बाहर भी बात करना बहुत डेंजरस हो गया. मतलब ऐसा लगता है क्या कॉमेडी सर्कस ने हमारे घर पे, हमारे वैन में, हमारे सब जगह वो माइक्रोफोन्स या कैमरा, इट्स लाइक द ट्रूमन शो. अब जो ये एक्ट हुआ है, ये मैं जानता हूँ क्या इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय समथिंग दैट हैज ट्रिगर्ड ऑफ विथ अर्चना अर्शद. यू नो, यहां पर झगड़ा हुआ था मेरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात. या शुड बी वेरी केयरफुल. और आज मैं थोड़ा लेट आया तो अर्शद मेरे वैन के बाहर खड़ा था. तो जो जैसे खड़ा था वो जो मैं आपको देख रहा था, यू हैव नथिंग मोर टू से, यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस यार. इतनी छोटी चीज को लेके टू क्रिएट सच अ एंटरटेनिंग एक्ट फ्रॉम माय साइड टू. अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम सोहेल एज वेल. एंड सोहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? उठा ही लो मेरे लिए. अच्छा, इनके लिए भी उठा ही लूंगा. अच्छा भाई, 10 पॉइंट्स फ्रॉम बोथ आवर जजेस. अतिथि देवो भव. और जब अतिथि हो ओमामा जैसा वीआईपी इंसान, तो उसकी आरती उतारने के लिए किसी अप्सरा को ही भेजा जाता है. इलेक्शंस जीतने के बाद ओमामा इंडिया आ रहे हैं और फ्लाइट में ही एयर होस्टेस डॉली से टकरा गए हैं. अब डॉली के स्वागत से ओमामा की क्या हालत होती है, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम कृष्णा एज डॉली एंड सिद्धार्थ एज ओमामा. ये जीवन एक रंगमंच है और हम रंगमंच की कठपुतलियां हैं. उस दौर उस ऊपर वाले के हाथ में शेक्सपियर, कालिदास. मैं कॉमेडी नहीं करूंगी, अब सटायर ही बोलूंगी. मंत्रा को 10 नौ दिए ना, डिफिकल्ट चीजें करता है वो. मैं दिखाऊं डिफिकल्ट चीजें, ये दो में नंबर. पूर्वी को स्टैंडिंग ओवेशन हमारा आदमी दिया ना उसको, इसीलिए जहां कृष्णा वहां स्टैंडिंग ओवेशन कैसे नहीं होगी. बाकी कालिया साहब ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया. कालिया साहब कहते जहाज खाली आओ अंदर इंजॉय करे. अरे अब उसको कौन समझाए कि जहाज तो भरे हुए थे, तेरे तेरे एंजॉय की वजह से खाली हुए हैं वो. बाकी बहुत लोग आते हैं हमारे फ्लाइट में, वो कृष्णा है ना, माय गॉड ही इज सो हैंडसम यार. अच्छा, अर्चना जी ऐसे थोड़ी मरती है उस पे. तो उसको पूछा किधर से आ रहे हो, कहते हैं उसका शो है ना वो कॉमेडी सर्कस के अजूबे, वो जीत के जा रहा था वो. अभी शो का अभी तक फिनाले नहीं हुआ है साले. मैंने लास्ट 8 एपिसोड में एक साथ स्टैंडिंग ओवेशन लिया है. इस बार विनिंग पे तूने मेरा टाई किया ना किसी के साथ, वही टाई तेरे गले में डाल के टकला फोड़ दूंगी तेरा मैं. खैर अभी हमारा फ्लाइट उड़ने वाला है, तो उड़ने से पहले मैं आपको 3-4 चीजें बता देती हूँ इधर की. हमारे विमान में 7 द्वार हैं. 6 के बारे में आपको तो पता है, 7वें के बारे में मेरे को और काले साहब को ही पता था. खैर जब प्लेन ऐसे ऊपर हाइट पे जाएगा ना, तो ऑक्सीजन का अगर प्रॉब्लम होगा तो सब ऑटोमेटिक है, ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद नीचे गिरेंगे. नीचे से उठाकर कौन लाएगा वो तुम लोग में से पहले ही डिसाइड कर लो. खैर पता नहीं कौन यात्री आने वाला है आज हमारे पास इधर. हेलो एवरीबॉडी, आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर एंड जस्ट आई एम वेरी प्लीज्ड टू हाय सोहेल, हाय अर्चना. सो आई एम बीइंग वाचिंग योर फिल्म्स लाइक किसान, लगान, मदर इंडिया. ए मदर फादर, क्या लगा के रखा है? मेरे लाइन पे लाफ्टर आ रहा था ना, तो देर शक्ल दिखाने की क्या जरूरत है तेरे को? नहीं बुरा नहीं मान, चल एक्ट करते हैं, बुरा नहीं मान. Hey, what is this? What is this? This is customer service होता है इधर ऐसा. It's all right. Where is my shit? Where is my shit? Shit तो सुबह करके आ रहेंगे, हमको क्या मालूम तुम्हारा? Excuse me, shit, shit. Where is my shit? Shit. अच्छा. Shit आपका? अब पहले टिकट दिखाओ. I don't have ticket. I have my boarding card, you know. Boarding card? Yeah. Sorry sir, पहले मैं ट्रेन में टीटी थी ना, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है. साहब इधर क्या करने को आए हो? मैं इंडिया जा रहा हूँ टू मीट मिस्टर फॉर वेरी गंभीर विषय पे डिस्कशन. डिस्कस? या वो बोलते भी हैं? बोल. वो तो किसी को फोन करके बात भी करते हैं तो लोगों को लगता है ब्लैंक कॉल दिया है. डोंट टॉक डर्टी, आई एम टॉकिंग टू विथ हिम, डिस्कस विथ गंभीर विषय. गंभीर विषय? या सीधा बोला पार्टी करने को उधर है, चाय पकौड़े खाने को उधर. गंभीर विषय तुम्हारा सब मालूम रहता है हमको इधर. खाने में क्या है? खाने में, खाने में सर क्या लेंगे आप? आज संडे तो
खेकड़ा 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 खाएगा खेकड़ा खेकड़ा तो नहीं है साहब क्यों वो ना किधर सूट टाइप पहन के ओमामा बना हुआ है यू आर वेरी डर्टी गर्ल यार ज्यादा बोलोगे तो बाहर उड़वा दूंगा उड़वाओगे अरे उड़वा दूंगा पक्का उड़वाओगे पक्का उड़वा दूंगा कालिया साहब अपने प्लेन भेजो ये उड़वाएगा साहब Hey, shut up, you Indian! What you clap, clap? What? Gambhir, you say cut? What? What? Can't clap. Hey, bakwas band karna. Simon, go back. Simon, go back. Simon, bakwas. Jada nahi bolna. Ab tum gore log ki idhar nahi chalegi. Samjha? Kamina gora kahi ka? Gora. Saab kya kar rahe ho saab? Saab kya kar rahe ho? Hey. एक तो तेरे को गाली दिया पैर काहे को पड़ रहा है तू अरे गाली गई भाड़ में जिंदगी में पहली बार मेरे को कोई गोरा बोला है मेरी बचपन की ख्वाहिश थी मेरे को कोई गोरा बोले अरे जब मैं पैदा हुआ था ना हाँ? तो मोहल्ले वालों ने वो किसानों को गाली दी अच्छा। बोले साले क्या बोला कॉफी सिर्फ कोलंबिया में बनती है हमारे उधर पैदा हो गई है मैं बर्तन मांझ मांझ के बड़ा हुआ हूँ इतने गरीब थे आप वैसे तो था मैं अमीर वैसे था मैं अमीर बट शक्ल देख के बर्तन मांझने का काम मिलता था अरे आप बने आप ओ मामा हो ये सिद्धार्थ यादव की बातें क्यों कर रहे हो आप सर टर्बुलेंस सर सर टर्बुलेंस ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड अरे अरे लेकिन ये झटके क्यों बैठ रहे हैं? अरे वो साहब वो रनवे पे भैंस आगे रहेगी इधर तुम लोग रनवे पे भैंस भेजता है अरे नहीं ऐसा प्रॉब्लम है पायलट को दूध लेना होगा जोगेश्वरी तबेले पे लैंड किया उसने ओ था फंस गया मैं इससे अच्छा तो मैं मेरा प्लेन लेके आता लैंड तो सीधा होता अरे टेंशन क्यों लेते साहब लैंडिंग अच्छा ही होगा जैसे विस्फोट होगा ना आपको पता चल जाएगा प्लेन कैसा दो टुकड़े होते हैं बिजनेस क्लास वाले अपने घर पे इकोनॉमी वाले सीधा बस स्टैंड पे कोई टेंशन नहीं लेने की एक काम करो पायलट को बोलो ठीक तरह से जाओ जुड़ा है पायलट से खुद ही बात करो ना आप साहब हमको क्या लेने का इधर खुद बात करने का आप ये पायलट है कैसी घटिया लैंग्वेज है तुम लोगों की हाँ अरे हमारा लैंग्वेज पूरा दुनिया में फैला है हर एक जन हमारा लैंग्वेज बोलता है कोई नहीं बोलता इधर तुम्हारा लैंग्वेज कोई नहीं बोलता है अरे बोलता है सोहेल तो हर वक्त इंग्लिश में ही बात करता है वो तो इसलिए बोलता है कि हिंदी में फंबल पकड़े जाते हैं उनके जज है ना अच्छा नहीं लगता इसलिए इंग्लिश बोलता है साला मेरे को मारेगा तू इतनी बार से तेरी बकवास सुन रहा है रे मैं डॉली बन के ए तेजा अरे ए बकिया बावजा ए जा असला बांबू पे मैंने टुबा भी मार ए जा आला फोन उतार दो ए जा असला आपल्याला बोलतो ए सुन क्या मराठी काय को बोल रही तू ओ मामा है ना तू मैं ओ माम नहीं मैं सिद्धार्थ जाधव है साले रुक रुक तो सबको बताने की क्या जरूरत थी क्या? जैसे तू इंग्लिश बोल रहा था ना वो भी मराठी लग रही थी सोहेल भाई इससे पहले ये और इंग्लिश बोले आऊ आऊ आप बोल दो प्लीज खत्म करो यहाँ पर अर्चना कैसा लगा आपको ये बेतुका एक्ट कई बार हर चीज तुक से होती है लेकिन फिर भी उसमें तुक नहीं बनता ये आपने सही बोला श्रुति बेतुका एक्ट था लेकिन इस बेतुके एक्ट में इतना तुक था और खास तौर से कॉमेडी का तो बहुत ही तुक था द होल एक्ट वॉज कॉमेडी द होल एक्ट वॉज मैड आप दोनों ने इतनी बेहतरीन जोड़ी बनाई है आज इस मंच पर और पहली बार बनी आई थिंक आप दोनों की जोड़ी कमाल है आप दोनों ने पागलपन किया कृष्णा यू वर जस्ट डिलाइटफुल आपकी कॉमेडी सीधा यहाँ पर Both of you. Sohail. आज का जो एक्ट था सिद्धार्थ आई हैव टू टेल यू दिस दैट जेन्युइनली जब आप आए ना आपकी चाल के साथ यू आर लुकिंग सो हैंडसम लुकिंग सो हैंडसम सीरियसली सीरियसली बोल रहा हूँ मैं सीरियसली आप दोनों ने मजे लेके ये एक्ट किया है आप लोगों को ग्रेट राइटिंग की जरूरत भी नहीं है अगर आप लोगों को एक थोड़ा बेस मिल जाए आप लोग कमाल कर सकते हो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू ऑल डिड तो सोहेल आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? I'm going to go for a 9. 9 पॉइंट्स. अर्चना? मजे मस्ती और पागलपन के बैरोमीटर पर ये एक्ट मेरे लिए बिल्कुल खरा उतरा. 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना. सोहेल, जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा. Done.
अरे भाई मुझसे नहीं, कॉमेडी सर्कस वालों से जो वादा किया है। क्या वादा? अगला एक्ट सिर्फ और सिर्फ सोहेल के लिए है। सोहेल के लिए शेर खान का सिंगर चुनने के लिए ऑडिशन रखा गया है। हे भगवान। प्लीज वेलकम राजीव एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड सुदेश एज वेरियस सिंगर। और एक फिल्म में हम म्यूजिक दे रहे हैं जिसका नाम है शेर खान, लेकिन इस बार सोहेल खान जी नहीं कपिल भाई बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, तो हम अपनी फिल्म में कुछ गाने रखेंगे। आज हमने जिन सिंगर्स को यहाँ बुलाया है उनके पास तो टाइम ही टाइम है, फिर भी टाइम पे नहीं पहुँच रहे, क्या हुआ तो मैं समझ नहीं रहा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। बस इससे ज्यादा कोई नहीं सुनता। सबसे पहले तो अर्चना जी और मम्मी मम्मी, सोहेल साहब और डैडी डैडी। अरे अरे सर प्रणाम, आप यहाँ आप हमारी फिल्म में एक गाना गाएंगे हिट सॉन्ग, कितने पैसे लेंगे उसके? पैसे तो हम बहुत लेते हैं, लेकिन आपसे हम 4,000 रुपया लेंगे। 4,000? इतने ज्यादा? क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप है, हमने बांटने होते हैं। क्योंकि ये आइडिया हमको 5-स्टार होटल में, एक बार मैं दाल लेने गया था तो वहां पे मैं 10 रुपए टिप देने लगा, कहते इस गल्ले में डाल दो, तो वो बाद में वेटर आपस में बांट लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि हम कोई वेटर थोड़ी, हम सिंगर एक दूसरे से बांट के खाएंगे, इसलिए पापा कहते बड़ा नाम। लेकिन सर इतने पैसे का आप करते गए हैं? जब बहुत पैसा होता तो घूमने चले जाते हैं, अमेरिका कनाडा इंग्लैंड, तो हमें मौका नहीं मिला। एक बार हम इधर पूना में गए थे, सोहेल भाई भी, मैं थोड़ा भेद खोलूंगा, मैं बिजनेस क्लास में बैठा था और ये इकोनॉमिक क्लास में। अच्छा। और वहां से उठ के मेरी सीट के पास आए, हाथ जोड़े, कहते भैया अगर बिजनेस क्लास देख लिया तो अब अपनी सीट भी आ जाओ, मेरी दे दो। एक्चुअली यार कि हमने एक गाना गवाना है सैड सॉन्ग फिल्म में, तो कोई सैड सॉन्ग गा के सुनाइए ना। तो लीजिए। घर से निकलते ही कुछ दूर चले। सर ये सैड नहीं है, ये तो डांस करने वाला रोमांटिक सॉन्ग है, हमें सैड सॉन्ग चाहिए, उदास, जैसे उलाला, सबसे फेमस उलाला उलाला, वो गा के बताइए। उलाला 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 लालू, फैंटेसी मेरी है तू ही बस तू, चुनाना अब मैं जवान हो गई। उलाला उलाला ला उलाला लालू, पापा कहते बड़ा नाम। थैंक यू, मुझे पसंद नहीं आई फिल्म। सर मैं नहीं गाता, मैं बेटे को भेजता हूँ। सर क्या बात कर रहे हो, बेटे को? देखिए हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही लहरी मशहूर हैं, एक बप्पी लहरी और एक उनका बेटा बप्पा लहरी, इस लहरी को कौन जानता है? नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब कौन जानता है, मुझे नंबर दो उनका भाई, मैंने उनसे भी गाना गवाना, मैंने तो सुना बड़े सुर में गाते हैं। खैर देखते हैं हमारे अगले सिंगर साहिबान कौन है। वाह वाह पर्सनैलिटी। शबीर हूँ अकेला हूँ मैं, 12 साल से बेला हूँ मैं, गाने का मैं काम मांगने आ गया, जो कमाया था मैं अब तक खा गया। ओ गाने का मैं काम मांगने आ गया, जो कमाया था मैं अब तक खा गया। सर बहुत काबिल, आप थोड़ी पी लीजिए, गला टर हो जाएगा। देखिए ये मुझे पीने का शौक नहीं है, कोई और बात करिए। नहीं नहीं सर बात करिए, आपके हाथ में क्या हुआ, चोट कैसे लगी, क्या हुआ ये? ये हम अंदर से आ रहे थे, वो बाहर मोहन स्टूडियो में बाहर कुत्ते होते हैं, कुत्ते से टकरा गया।
और इतना गुस्सा आया उसको, मुझे कहता आपको नहीं काटेंगे, आप तो पहले लाइन से कटे हुए हैं। और वैसे मैंने उसको याद कराया, मैंने आपके लिए प्लेबैक गाया था तेरी मेहरबानिया। फिर उसने कहा ओके भैया जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, एक मेहरबानी हमारे ऊपर कर दीजिए, ऐसा गा दीजिए हमारी फिल्म में कि सारे के सारे गाने सुपर हिट हो जाएं। मेरे पास मीका का नंबर तो है नहीं। मैं विनोद का दे देता हूँ। सर मैं उनके नंबर का क्या करूँगा, घर पे रंग रूंग करवा लेना। सर क्या बात करते हैं, मैंने सुना है आपके दोस्त है मीका जी, वो ठीक है लेकिन गवाना। मीका जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हम अमेरिका में शो करने गए थे, वहां पर इतनी लड़कियां उनके पास नहीं आई जितनी लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे पास आ रही थी। और इधर किस उधर किस लिया, उन्होंने बहुत प्यार दिया माशाल्लाह। फिर उसके बाद नोटों के 50 लाख रुपए का ढेर लगा दिया उन्होंने मेरे आगे। अगर मेरा नौकर उस वक्त 2 मिनट भी ना उठाता ना नींद से, तो सारा पैसा मेरे बैग के अंदर होना था। सर इसका मतलब आपको तो शो मिलते ही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं, हम अभी लुधियाना में शो करके आया हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो एक बंदा मेरे पास आया और कहने लगा आप आज से 20 साल पहले भी यहाँ आए थे। मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया, कहते नहीं यही कोट पहना था। सर मैं समझ गया, आपके कोट की तरह आपके गाने भी पुराने, नई चीज नहीं आपके पास। नहीं ऐसी बात नहीं, वो अभी मैंने हाउस फुल में गाना गाया था। वो आई डोंट नो व्हाट डू आई डोंट नो व्हाट टू डू आई डोंट नो व्हाट टू डू। सर लेकिन उस फिल्म में तो आपको सिर्फ 2 ही लाइनें थी। नहीं ज्यादा गाना था, हाउस फुल था, कितना गाता। वो भी मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया था, मैंने 200 रुपया देना था उनका पुराना, देने गया वहां पे ऐसे माइक लगा था, सिंगर बार चाय पीने गए, मैंने ऐसे गा दिया आई डोंट नो व्हाट टू डू, किसी को पता ही नहीं मैंने गाया। सर बहुत गाने का शौक है आपका, तो आपका शौक पूरा कर देते। एक्चुअली हमने शेर खान में शेर सॉन्ग गाना ऊ ला ला ला, तो गा के बता दीजिए। आपने मुझे मौका दिया, ये आपकी बदनसीबी है, पेश कर रहा हूँ भैया। मेरी फैंटसी है तू, ओ ला ला लालू मेरी फैंटसी है तू, चीना न तू मुझको, चुना न तू मुझको, मैं जवान हो गई ओ लाला लालू। नहीं एक बार तालियां बज जाएं हम चले जाते हैं, बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप कह रहे हैं भैया क्या गाते हैं है? एक मिनट यार फोन आ गया। हेलो हाँ कपिल जी, कपिल जी हेलो हेलो कपिल जी, अरे कपिल जी क्या अर्चना जी 4 बार कपिल का नाम लिया फिर भी नहीं लाफ्टर। अरे कपिल जी शबीर के अभी यहीं से निकले हैं, मुझे डर है कहीं आपके घर पे ना आ जाएं। नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं है, आप बस 2-2 मिनट बाद उन्हें कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। अरे सेवा नहीं करनी है, बस उनका मुंह खाली नहीं रहना चाहिए वरना गाना शुरू कर देते हैं। जावो नी कोई मोड़ ले आवो, नी मेरे नाल गया जे लड़के, सब तो पहला अर्चना जी जिन्होंने माना जी गुरदास बख्शी बहुत बहुत शुक्रिया। सोहल साहब आप जी के लिए मैंने शेर सुनना पसंद करेंगे, पापा से सुन लो हमें तो हिंदी अच्छी नहीं आती। वैसे भी आपको शेर नहीं सुनाएंगे क्योंकि हम उनके फैन हैं और आपको शेर पसंद नहीं, अगर पसंद होते तो आप शेर खान बनाते। ओ जदो श्रुति लग वखावे ते पिंकू तबला बजावे, जद श्रुति लग वखावे
ते पिंकू तबला बजावे फिर सोहिल नू नींद ना आवे ता समझो मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है। अर्चना जी आपके लिए और आपके प्यार के लिए। जद कपिल हसा ना पावे जद कपिल हसा ना पावे ओ फिर भी दस दस पावे जद कपिल हसा ना पावे ते सोहिल नू नी नी आवे ओ फिर भी दस दस पावे ता समझो अर्चू मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है। सर हमारी फिल्म में गाना उलाला हमने उसका सैड वर्जन करना है तो आप पंजाबी में सुना दीजिए। बजाओ भाई ये भी। उलाला ला 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 उलाला ला 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 उलाला ला 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 तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना मुझे छूना ना अब मैं जमा हो गई उलाला उलाला ला उलाला उलाला ला उलाला उलाला लू लू उसी माइक फड़ो मैं लू करके आया। ये लू ऐसी चीज है पिंकू हो या बंटी लगती सबको है। थैंक यू। सुहेल से पहले पूछते हैं कि यहाँ पर जितने भी सिंगर्स ने आकर ऑडिशन दिया उनमें से किसका चांस है शेर खान में गाना गाने का? अगर ऑडिशन ऐसे होंगे ना तो ये पिक्चर एक्चुअली कभी नहीं बनने वाला। ये एक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था स्टार्टिंग में अगर आपने जो उदित किया एंड देन एंड में अगर यू नो शबीर साहब होते तो द प्लेसिंग ऑफ द एक्ट वुड हैव बीन मच बेटर बट एज एंजॉयमेंट एज और सुदेश जी मैं आपको ये भी कॉम्प्लीमेंट दूंगा क्या आप गाते बहुत ही बढ़िया है। अर्चना मेरा मानना है कि जब तक आप इस मंच पर आकर परफॉर्म नहीं करते तो आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि कौन सा वाला इसमें बेहतर जाने वाला है। आपको ये अंदाज़ नहीं था कि उदित कितना अच्छा जाएगा शब्बीर या फिर मान साहब। राजीव आपने बहुत अच्छा किया ये म्यूज़िक डायरेक्टर का आप ऑलमोस्ट सूत्रधार थे और मेन कलाकार इसमें सुदेश थे लेकिन आप दोनों की जोड़ी बहुत कामयाब रही लेकिन सुदेश आपने बहुत बढ़िया काम किया बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कि आपकी ये कोशिश कितनी कामयाब रही हमारे जजेस के साथ। सो अर्चना लेट्स हैव द स्कोर्स प्लीज। अगर दर्शक ये ध्यान में रखें कि कितना टैलेंट आपने सुदेश यहाँ पर दर्शाया है और सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से ही जो एंड में हंसी थी वो कम आई लेकिन अगर बीच का हिस्सा ही अगर आप याद करें तो ये भी कम है। 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। थैंक यू। एंड सोहेल 9 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल। थैंक यू सो मच। देवियों और सज्जनों अब यहाँ होने वाला है कुछ झकास। यहाँ होगा हु बनेगा मिलियनेयर का स्पेशल टेलीकास्ट वो भी एक बहुत ही स्पेशल मेहमान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हु बनेगा मिलियनेयर। प्लीज वेलकम मुबीन एज होस्ट एंड भारती एज द स्पेशल गेस्ट। झकास। आज से 18 साल पहले एक ठकराल ने मेरे बाप को मार दिया था जिसकी वजह से मेरी माँ पागल हो गई थी लेकिन अब मैं ठकराल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे तेरे को कितनी बार बोला है मिमिक्री मत कर कॉमेडी कर कॉमेडी। हाँ तो ये सिलेक्शन करने से पहले सोचना था ना। अभी मेरे को जो आएगा वो इश करूंगा ना। तो चलिए शो शुरू करते हैं। तो सज्जनों और सज्जनों और माताओं बहनों स्वागत है आपका इस अद्भुत शो में जिसका नाम है हु बनेगा मिलेनियर। वैसे सोहेल भाई कैसा लगा मेरा स्टैंड अप? सुपर। अभी आप सोच रहे होंगे मैं रोने क्यों लगा। इतने दिनों बाद पहली बार स्टैंड अप करने का मौका मिला। रोना नहीं निकलेगा तो क्या पंच निकलेंगे? और तो और साली एक क्रिएटिव लोग कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऑडिशन करने के बाद तुम्हें चांदा मेटा परासिया से चुन के लाए और यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा बोल दो तो मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। 10-10 आए तो कपिल के 8-8 आए तो मुबीन के। खुद पूरा एक हाथ में लिख के पढ़ दो और हमसे एक फंबल हो जाए तो ओ फंबल बस दो एपिसोड और। माफ करना जज्बात में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वापस आता हूं। शाबाश। तो चलिए शो शुरू करते हैं और आज हम एक ऐसे फनकार को बुला रहे हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान जाएंगे।
जोरदार तालियां उनके लिए। ढोलना ढोलना बड़ी जोर से आया नाड़ा में रखोलना। आइए आइए, मैं आपका इच वेट कर रहा था, बैठिए। ढोलना अगर इधर बैठेंगे तो सब लोग देख नहीं लेंगे। अरे चचा, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के खुश भी करोगे ना तो भी दुनिया को कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। वैसे चलिए बैठिए, शो शुरू करते हैं। चलो फिर। अरे होस्ट को गिरा दिया, लगता है तुमको 1 मिलियन का बम्पर नहीं जीतने का है। देखो तुमने भी तो हमें 1 बम्पर रखने के लिए कुर्सी दी है, दूसरे बम्पर रखने के लिए कौन कुर्सी देगा। वैसे कोई बात नहीं, हम अपनी कुर्सी साथ में लेके चलते हैं। वेरी गुड। चलिए सबसे पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि फोर्सा साहब ने कहा है कि अपनी जीती हुई राशि डोनेट कर देंगे, तो बताइए आप किसको डोनेट करेंगे। देखो ढोलना, अगर हम जीत गए तो हम अपनी राशि अमेरिका को दे देंगे। अरे अमेरिका को काय को दे रहे हो, अपने मुल्क को दो ना, वो भी तो गरीब है। ढोलना जितने हमारे मुल्क के ऊपर कर्ज है उन्होंने भी तो अमेरिका को देना है, हम सीधा दे देंगे। चलिए अब शो शुरू करते हैं। करो। सबसे पहला सवाल, बताइए इसमें से कौन सा सिंगर है जो गजल भी गा लेता है, सूफी भी और क्लासिकल भी। ए मोहम्मद, बी शब्बीर, सी विनोद या डी अल्ताफ बाजा। देखो ढोलना, ये कितने का सवाल था? पूरे 1000 रुपए का। देखो तुम 2000 हमसे लो, इसमें कोई ढंग का सिंगर तो डालो। अरे 2000 में तो ये खुद आ जाएंगे चचा। लेकिन हम ये गेम नहीं खेलेंगे, इनमें से कोई भी सही नहीं है, हम क्विट करते हैं। अरे अरे आपके पास इतनी लाइफलाइन पड़ी है चचा, उनको यूज करो, लाइफलाइन यूज करो। लाइफलाइन कैसे यूज करें? वैसे अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। कौन एक्सपर्ट है तुम्हारे? वो सामने बैठे हैं, सोहेल भाई और अर्चना जी। देखो इनाम की रकम चाहे कम कर दो लेकिन एक्सपर्ट तो ढंग के बिठाओ। हमको नहीं खेलना, मैं क्विट करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे क्विट कर रहे हैं चचा, पहले ये तो बताओ ताला किसको लगाऊं? ताला तो लगाना ही पड़ेगा। अगर ताला ही लगाना है तो राजा को ताला लगा दो। ओके, वैसे उसको 10-15 साल से वैसे ही ताला लगा है। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ। देखो मैंने राजा के कितने शौक रहे हैं, उसको वैसे भी कोई 1000 से ऊपर देता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। चलिए दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान बाल बाल कौन बचा था? देखो ढोलना, शर्म आनी चाहिए एक गंजे बंदे से तुम बाल की बात कर रहे हो। ये मुझे सवाल नहीं आता, कुछ और पूछो। कुछ और तो बताइए, क्रिकेट के 1 ओवर में कितने बाल होते हैं? देखो अब तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ढोलना, बाल नहीं कहते उसको, बॉल कहते हैं। अरे तो ऐसा बालों को उखाड़ के उसका गुच्छा मुच्छा करो तो वो भी बॉल ही बन जाता है ना। चलिए दूसरा सवाल पूछता हूँ। पूछो। ये बताइए कि हम बाल दिवस कब मनाते हैं? तेरे बर्थडे वाले दिन। मेरा गर्व हो तेरा, तेरे सारे सवाल बालों वाले ही हैं, हम नहीं खेलते ये सवाल। अरे अरे ऐसा आपको लग रहा है, सवाल में बाल नहीं है, बाल तो इधर है। देखो अब आगे की गेम हम बढ़ाएंगे, हम तुमसे सवाल पूछते हैं। तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन सा है? दो हैं, एक तो बाली ब्रह्मट, दूसरा एसपी बाल सुब्रमण्यम। तुम्हारा फेवरेट गाना? बाल बाल देखो 1000 बाल देखो। तुम्हारा फेवरेट डायलॉग? बालवान थ्राय के कुत्ते। तुम्हारा फेवरेट यानी कि सीरियल कौन सा है? बालिका वधु। तुम्हारी फेवरेट किताब कौन सी है? बाल भारती। तुम्हारा फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है? महाबालेश्वर। तुम्हारी फेवरेट मिठाई कौन सी है? बालू शाही। इतनी बेइज्जती हो रही है मेरी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या है? अरे अरे चाचा किधर जा रहे हो, जाने से पहले ये तो बता दो कि 1000 रुपए जो तुमने जीते हैं वो चेक लोगे या केस?
सुहेल, हम भी इस एक्ट से बाल बाल बच गए. आपको क्या लगा? फॉर मी ये एक्चुअली ये मेरा ह्यूमर है. जो आपने आज किया ना मूवी, नहीं मेरा ह्यूमर है. ये जो एक्ट टेक ऑफ हुआ था ये थोड़ा सा आइस था, जमाने में टाइम लग गया था. लेकिन उसके बाद जो एंड का जो था, जो फिनाले था आपका बालों का सिलसिला, एक ही डायलॉग था, ये चलता रहा. आई फाइंड दिस ह्यूमर वेरी फनी. एंड बिगनिंग में थोड़ा सा लो था, लेकिन मुबीन और आपने इसको जो एंड में उठाया वो समथिंग दैट हैज सेव्ड द एक्ट. थैंक यू सो मच. अर्चना, फुसरत अली साहब, आपने बहुत बढ़िया अपना सुर पकड़ा है. इस एक्ट में थोड़ी सी लिखाई में ही कमी थी, लेकिन वो जो बीच में जो बाल की लंबी चाल चली ना, वो बहुत बढ़िया थी और उसी ने इस एक्ट को थोड़ा सेव कर लिया. थैंक यू सो मच. टाइम फॉर द स्कोर्स. तो सुहेल, आपसे शुरू करते हैं. आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? I'm going to go for it. 8 points from Sohail and 8 points from Archana. Thank you. जब किसी बार में रेड पड़ती है तो बार गर्ल्स बहुत सैड होती हैं. लेकिन अगर बार गर्ल हो खतरू तो पुलिस वाले की भी वाट लग सकती है. एक बार में पड़ी है रेड, अब बार गर्ल या पुलिस वाले किसकी बचती है बैंड? चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम कपिल एंड किकू एज वेरियस कैरेक्टर्स. हेलो. हेलो. आप सोच रहे होंगे मेरी आवाज़ को क्या हुआ है. आवाज़ मेरी ठीक है, एक्चुअली मैंने कपड़े गलत पहने हैं. आई एम इंस्पेक्टर टॉप सीक्रेट. आप सोच रहे होंगे मैंने लेडीज़ कपड़े क्यों पहने. मैंने कभी आपसे पूछा आप लेडीज़ कपड़े क्यों पहनती हैं? एक्चुअली आज का टॉप सीक्रेट मिशन है, मेरे को रेड करनी है. ये कपड़े जो हैं इसमें बंदा बड़ा कंफर्टेबल रहता है. आप पुलिस सायरन बजा के जाती ना, अपराधी भाग जाते हैं. मैं इन कपड़ों में जाता हूँ, अपराधी भागते नहीं, उल्टा मेरे पास आते हैं. फिर जो उन्होंने अपराध किया है वो तो मैं केस डालता ही डालता हूँ. एक महिला मजलूम से छेड़खानी का इल्जाम भी डाल देता मैं. एक सेकंड, मैं फोन कर लूं जरा. हेलो कमिश्नर साहब, एक ही रिंग पे फोन उठा लेकर चालू बंदा, पता ना लड़की की ड्रेस पहन के फोन कर रहा हूँ. हेलो सर, मैं आज खुद रेड मारने जा रहा हूँ जी. 10 बजे पहुंचूंगा, आप 9 बजे निकल जाइएगा वहां से. सर देखिए, पता क्या है, आप नहीं सर, आपकी इज्जत है सर. हमने आपको शुरू से वर्दी में देखा है और ट्रस्ट मी यू विल लुक वेरी बैड इन न्यू ड्रेस. मैं 10 बजे पहुंचूंगा, 11 बजे रेड मार देंगे. 1 घंटे बाद क्यों सर, अपना थोड़ा इंजॉय भी तो करना होता है कि नहीं. आपको पता दिवाली वाले दिन भी हम लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं. नहीं मैं मानता हूं सर, आपने भैया दूज पे छुट्टी दी थी, लेकिन नुकसान तो हमारा ही हुआ ना. इतना सा सिंदूर लगा के बहन 11,000 ले गई. ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊं. ठीक है सर, पुलिस की नौकरी बहुत ज्यादा मुश्किल है. आज तो खैर मैं सिविल ड्रेस में हूं, नहीं तो आपको पता है फिटिंग वाली पैंट के ऊपर इतनी मोटी बेल्ट पहननी पड़ती है. और आपको विश्वास करें आप, वो बेल्ट का कितना नुकसान है. पिछली बार गुंडे के साथ लड़ाई हो रही थी, बेल्ट गुंडे के हाथ में आ गई. डॉक्टर ने कहा जब तक तुम्हारे निशानी ठीक हो जाते फुल स्लीव गाउन पहना करो. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती. एक बार वही बेल्ट का इतना मोटा बक्कल किसी गुंडे के मोटरसाइकिल में फंस गया, मैं घिसड़ घिसड़ के गया. खैर क्या करें, हमारी नौकरी कुछ ऐसी है. मैं अभी रेड मारने में वैसे टाइम है, घर आता हूँ, देखता पहले मेरी बीवी पहचानती नहीं पहचानती. टिंग टोंग. अरे लेकिन अंबाले वाली बुआ, मैं तेरे थप्पड़ मारने बतनी जोर जो घाघरा पहन के आ रही तेरी बुआ ने कहती, मैं तेरा पति हूँ. अरे आप लेकिन इस तरह मर्द हो के औरतों के कपड़े में क्यों हैं? मेरे साथ बाहर निकल गए मार्केट में, तेरे से अच्छा लग रहा हूँ. 2 लौंडे मेरे तरफ फिर भी देख लेंगे, तेरी तरफ कुछ देखे ना मेरा मुंह बदल देना. तो मेरे को रेड मारनी है बाहर में जाके, इसलिए मैं ये कपड़े पहन के घूम रहा हूँ. आपको रेड मारनी है? हाँ. मैं भी चलूंगी आपके साथ रेड मारने. थप्पड़ मारू तेरे, रेड मारेगी तू. चुपचाप इधर जा, उधर जाएगा कहीं. मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर हो गया, तेरे को सबसे पहले पकड़ेंगे पुलिस वाले. कहेंगे ये जो लड़कियां नाच रही है बेचारी, ये तो मजबूरी में नाच रही है, इसकी तो हॉबी लगती है. पर लेकिन हम भी पुलिस वाले की बीवी है, इतना तो बनता है ना हमारा. मेरी बराबरी करेगी तू है तो मेरी जगह जाके गुंडों से मार भी खाया कर किस दिन. लोहे का कड़ा दांत में कितनी जोर से लगता, तेरे को क्या पता. खाने में बनाया कुछ की नहीं. अरे वो तो हम बनाने ही वाले थे कि वो सोहेल भाई का फोन आ गया, कहने लगे कि भाभी आज कुछ मत बनाना मैं बिरयानी भेज रहा हूँ. और तूने मान भी लिया? हाँ. इनका तो मेरे को भी फोन आया था एक बार कि 6 महीने तक कोई काम ना लेना, तेरे को फिल्म दे रहा हूँ. वो दिन और आज का दिन मैं बाथरूम जाता हूँ, दरवाजा खोल के बैठता हूँ कि क्या पता कब शूटिंग शुरू हो जाए. है नहीं पता, अच्छा पता ही कोई नहीं. चलो हटो, मुझे भी रेड मारने जाना, मेरे को देरी हो रही है. अरे लेकिन मैं भी चलूंगी ना आपके साथ रेड मारने.
यार तू क्यों चलेगी मेरे साथ लेट मार रहे, हर जगह मुझे देरी हो रही, मेरे को निकलने दे। आपको हर बार देरी होती रहती है, देरी होती रहती है। आपके पास दो पल भी नहीं है प्यार के मुझे देने के लिए। दो पल तो तेरे को मैं प्यार दे दूं। मेरे को देखो, जिस गांव में बिजली पहुंचानी होती ना, इलेक्ट्रिशियन को पता दो रास्ता किधर है। दो पल के प्यार के रो रही है। ये आपने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आएगा भी नहीं। कहती पहले जैसा प्यार नहीं रहा, तू पहले जैसी रही है। पहले मेरी बाहों में आ जाती थी, अब तू पूरी रजाई में भी नहीं आती। बड़ी रजाई देता हूँ, फिर भी तेरी डेढ़ इंच की टांग बाहर रहती, बालों वाली घटिया औरत। बार बार आप मेरी बेइज्जती करते, बेइज्जती करते। मैं जा रही हूँ। जा दबा जा। बात हुआ मिचेल। मार तेरे। ओह माय गॉड, थाने से फोन। मैं तो भूल ही गया। रेड मारने जाना था। हेलो। जी सर। भाई मुश्किल काम क्या है, नहीं होता कभी। हेलो। जी सर। सर मैं पहुंच रहा हूँ। आप निकलिए वहां से, मैं अभी पहुंच रहा हूँ सर। जी सर। आप चिंता ना करें सर, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। जी सर मैं बाहर। जी मैं पहुंच गया सर। आहा, क्या हो गया सोहेल? पहचान नहीं रहा है आज? आजकल आता नहीं है बार पे तू, क्यों? मेरे बॉडी पे थोड़ा सा फैट क्या जमा हो गया, तू तो गायब ही हो गया। अरे मैं तो कल रात को थोड़े सफेद चने खा के एसिडिटी हो गई थी, इसके लिए शरीर थोड़ा सा सूज गया है, वरना मेरी बॉडी तो तुझे पता है एकदम बियर के बोतल की तरह। आज पता नहीं कोई कस्टमर आया नहीं अब तक। ओह गॉड, व्हाट हैपेंड? Why are you aggressing? Aggressing? Yeah. Why are you watching so much? ऐसे ऐसे में देखो। Oh my God, मेरे को believe नहीं हो रहा आर्चू यहाँ पे। क्या हुआ? ऐसे क्यों? उसने कुछ देख लिया क्या? ओ क्या हो गया? ऐसे गिरी थी क्या? ऐसे गिरी थी? अर्चना जी देखा आपने? My God, मेरे को आर्चू यहाँ पे बैठी हुई है, प्रमित को बोल के मंदिर जा रही है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि जिस औरत की भुजाओं में इतना दम है, बगल में देखे दो असुर मार दे, ये क्यों जाने लगी भला मंदिर में? Oh God. एक मिनट। What? ये एक डांस बार है लड़की, तू यहाँ पर क्यों आई है? मेरे को पता चला यहाँ पे किसी बार का बैठ खाली है, जगह खाली। मेरे को डांसर बनना है, मेरे को डांस करना है। ओहो, तू पहले क्या करती थी? पहले मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन कपड़े करती थी। वो काम क्यों छोड़ दिया तूने? लोगों की गंदी नजर रहती थी, क्या बताऊँ आपको। मैं झाड़ू पोछा करती थी ना, जब भी मेरे पे गंदी नजर रखते थे। आपको कपड़ा बर्तन कर लेती ना, जो लोग झाड़ू पोछे के टाइम गंदी नजर रखते थे, बर्तन कपड़ा करने देते मेरे को, इतना टाइम देते मेरे को। अच्छा चल देख, अगर तेरे को यहाँ पे डांस बार में काम करना है ना, तो इधर के तौर तरीके तेरे को सीखने पड़ेंगे। ओके, मेरे को सारे तौर तरीके आते। आपको पता है मैं पहले डेयरी भी लगती थी, दूध बेच के मैंने पैसे निकलवाए। यहाँ पे तो फिर भी शराब बिकती है, दूध मिलता है यहाँ पे दूध। क्या ये क्या हो रहा है? लाफ्टर आ रहा है सामने से, आ जाएगा, तू को दे रही है अपनी तरफ से, तू आने देना। दूध मेरे को सीधा खा दी, ये बता दूध मिलता है कि नहीं मिलता? अरे तू पागल हो गई है क्या, यहाँ पे दूध क्यों मिलेगा? मेरे को क्या पता, मैंने कहा अगर नाचने के लिए भैंसे रखी हुई तो दूध तो मिलता ही होगा। ए बहुत बोल रही है तू, बड़ा डांसर बनती है ना, जरा डांस करके तो दिखा क्या आता है तुझे। डांस आता है तू 2 मिनट रुको, भी आता ही होगा, तू क्या समझती है? मैं तो ऐसा डांस करती ना, मेरे को खुद को नहीं पता चलता मेरा कौन सा अंग कहाँ पे गिरा है। डांस के बाद तो कलेक्शन करनी पड़ती है। नहीं यकीन आता तेरे को, गाना करके दिखाऊं? ए म्यूजिक ऑन कर जरा, ये करके दिखा मेरे को स्टेप, ये वाला स्टेप करके दिखा मेरे को जरा, ये वाला मुझे भी करना जरा। एक सेकंड, ओ माय गॉड, कमिश्नर साहब वाला स्टेप। आर यू द पुलिस कमिश्नर? अरे तुम्हें कैसे पता चला मैं कमिश्नर हूँ? मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं इंस्पेक्टर शमशेर, ये देखो। इंस्पेक्टर शमशेर? यस। तुम्हें शर्म नहीं आती जब मैंने कहा था मैं यहाँ पर रेड मारने वाला हूँ, निकले क्यों 9 बजे? अरे वो मुझे लगा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। अरे बच्चों के गुल्लक, तुझे शर्म नहीं आती? अगर कहीं मीडिया वालों ने देख लिया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ये घाघरा पहन के बाहर में नाच रहा है, नाक कट जाएगी पुलिस की। अरे नाक तो पहले से कट चुकी है शमशेर, कल चौकी में चोरी हुई थी तो वो जो बंदूकों की वो जगह है ना, वहां से सारी की सारी बंदूकें सारी की सारी चोरी हो गई। हो गई चोरी? चलो अच्छा हुआ, घटिया बंदूकें देख रखी है आपने डिपार्टमेंट वालों को। इतनी घटिया बंदूकें, यहाँ से गोली चलाओ, गोली सामने से चलती नहीं, पीछे से निकल जाती है। 25 गोलियां चलाई, एक भी बंदा नहीं मरा। फिर मैंने सर पे मारी, फिर जाके मरा वो। क्यों देते हैं ऐसी बंदूकें हमें? इससे अच्छा हमें नंगा भेज दिया करो, शर्म से तो मरे दुश्मन। ए शमशेर, पुलिस कमिश्नर के सामने ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ए मैं कान में मारूंगा कमिश्नर, ये तो इधर बना है, तेरा सीरियल देखता है FIR, फुल्ला हवलदार कहीं का। ए, 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 अब ज्यादा हो रहा है, शो पे मत जा। ए, तेरे शो पे कौन जाता है? मैं तो इधर ही इतना बिजी हूँ, तू आता है हमारे शो पे? हम लोग गए कैसे तेरे शो पे? ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ काम करने का। ऐसा आदमी हमेशा बदतमीजी की बात करता है। अरे मुझे नहीं चाहिए यार, मैं कोई नंबरों का भूखा नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। 10-10 नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने भारती और सिद्धार्थ के साथ 8-8 लेके खुश हूँ बस। ये 8 के लिए भारती के पास जाने की क्या जरूरत है? तू रुक इधर, तेरे को इधर ही 8 दिला दूँ मैं।
तो जजेस, क्या आपको लगता है ये 8 नंबर के हकदार हैं या 10 नंबर के? अर्चना, मुझे दोनों कलाकार बहुत पसंद है। कीको, आप बहुत कमाल के, और आप चाहे FIR में हो चाहे कॉमेडी सर्कस में, लेकिन काम आप कमाल का करते हो। कपिल, मेरे भाई मेरी जान, मैं दोनों मेरे भाई मेरी जान दोनों कह सकती हूँ आपको, बिकॉज आप दोनों हैं मेरे लिए। लेकिन आप दोनों की इंडिविजुअल कला और हुनर के बावजूद इस एक्ट में थोड़ा दम कम था। आप दोनों की परफॉर्मेंसेस वर रियली वेरी नाइस। सोहेल, इस एक्चुअल एक्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। इट वाज अ रैंडम एक्ट दैट वाज पुट टुगेदर, यू नो, इट वाज लुकिंग एज इफ इट वाज बोथ आर डूइंग अ वेरी सिमिलर कैरेक्टर। और मुझे लगता है कि कपिल इज स्मार्ट इनफ टू से दैट हाँ, वहाँ आर्ट की जरूरत नहीं है, तुझे मैं यहीं आर्ट दिलवा दूंगा। सो इट वॉज एन एक्ट विच एक्चुअली you all don't deserve an a script or a concept or a structure like this. You all deserve much more than this. Thank you. So coming back to the initial question, क्या ये act 8 का हकदार है कि 10 का हकदार है? अर्चना, 8 का ही। Kapil is always right. 8 का हकदार। And Sohail, 8 points from both the judges.